24 सितंबर 2022 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हमारे पास मास डिस्ट्रक्शन के कई हथियार हैं, जो नाटो देशों की तुलना में काफी एडवांस हैं। ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है। 7 अक्टूबर 2022 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बयान दिया कि दुनिया आखिरी जंग के करीब पहुंच गई है। इसके बाद से ही अमेरिका और यूरोप में आयोडीन दवा की मांग तेजी से बढ़ गई। लेकिन जंग का आयोडीन दवा से क्या लेना देना, आज बात इसी आयोडीन दवा की। दुनिया में अचानक इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, आइए जानते हैं। ये दवा न्यूक्लियर अटैक के बाद हवा में मौजूद जानलेवा रेडियो एक्टिव पार्टिकल I-131 से लोगों का बचाव करती है। जब भी कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन यानी I-131 के पार्टिकल्स बचे रह जाते हैं, जो ना ही दिखते हैं और ना ही इनका कोई टेस्ट पता चलता है, लेकिन ये जानलेवा होते हैं। यहाँ काम आती है आयोडीन दवा। ये आयोडीन और पोटेशियम से मिलकर बनती है, जिस वजह से इसे पोटेशियम आयोडाइड भी कहते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियोएक्टिव आयोडीन काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में ये दवा खाने से शरीर में रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं पहुँच पाती और जान बच जाती है। ऐसे ही न्यूक्लियर अटैक के खतरे के चलते 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस यानी HHS ने 2.38 हजार करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का फैसला लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक HHS प्रवक्ता ने भी माना है कि ये दवाइयां केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और महामारी जैसी परिस्थितियों से पार पाने के लिए खरीदी गई हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप और ब्रिटेन में भी पोटेशियम आयोडाइड की मांग काफी बढ़ गई है, जिसे पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में तो 600 से भी ज्यादा नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पोटेशियम आयोडाइड की मांग बढ़ी हो। पिछले 11 सालों में ऐसा दो बार हो चुका है। पहला साल 1986 में, जब नॉर्थ यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ था। दूसरा साल 2011 में, जब भूकंप और सुनामी के चलते जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा था। इन्हीं वजहों के चलते दुनिया में आयोडीन दवा की मांग बढ़ने लगी है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।